आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार के तरफ से वार्ड नंबर 42 और यहाँ पर इसाक हाजी साहब जो एमआईएम के माजी नगर सेवक है, उन्होंने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है वैक्सीनेशन का महानगर पालिका की तरफ से। आइए हम इसाक हाजी साहब से जानते हैं आज ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है। आज नहीं, ये कल भी 24 नवंबर 2021 को अरफात मस्जिद में हमने रखा गया था और कल भी बहुत अच्छे तरीके से क्राउड भरे के आवाम ने उसको सपोर्ट करे थे। 150 के करीब उसके ऊपर आगे गए थे वैक्सीनेशन। आज भी जो हमारे किराड़पुरे में रखा गया है, किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी में, अभी 2:30 बज चुके हैं तो 2:30 बजे तक 140-150 के आगे तक हो गया और हमारी उम्मीद है कि 200 के ऊपर पार हो। मकसद ये है हमारा, खासदार इम्तियाज जलील साहब का, कि पूरे औरंगाबाद के हर आदमी तक ये वैक्सीनेशन पहुँचे। क्योंकि इससे पहले कुछ फरमान आया था कलेक्टर का कि भाई आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको पेट्रोल नहीं, राशन नहीं, ये नहीं। हमारे खासदार साहब ने उनको कहा कि आप लोग हमारे ऑफिस, हमारे घरों तक पहुँचे, हमारे आवाम तक पहुँचे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। आप सिर्फ ऑफिस में बैठे, एसी में बैठ गए और फरमान जारी करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वो स्तर पर महानगर पालिका का एक प्रोग्राम बना पूरे 8 दिन का, जिसमें से हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हम पूरा साथ दे रहे, उनका ताउन कर रहे और वो और हम मिलके हर वार्ड में एक कैंप लगा रहे और लोगों को एक ऑर्गेनाइज कर रहे, तो लोगों भी एक आगे बढ़ के उसको काम को ये करा रहे और हर जगहों से लेडीज़ हो जेंट्स हो, हमारे बोलने से पहले हम वैक्सीनेशन के सेंटर पे आ रहे। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, खैर कोई मसला नहीं है, प्रशासन लेट हुआ जागा। आज भी हम प्रशासन के साथ में थे, पहले भी है थे और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ में शहर अध्यक्ष शारिक नजबंदी साहब है, इनके सदारत में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के, इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर ये सारी चीज़ें हो रही है और आगे भी इंशाल्लाह हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया है, हाजी साहब ने रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, तो इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है?
नहीं देखिए, कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से अगर बचना है तो हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन लें। इससे पहले वैक्सीन देने की जो सिलसिला था, जो एक अमल था, वो प्रक्रिया थी, वो बहुत ज़्यादा सुस्त थी और उसमें सीधा जिम्मेदार जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन एक जनता को ठहरा रहा था। MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर कलेक्टर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब जागे और उन्होंने लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, वैक्सीन की अहमियत बताएंगे, तो लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही हमेशा शुरू से कहना रहा कि हम लोगों के घरों तक पहुँचे, उनको अवेयर कराए कि वैक्सीन की कितनी अहमियत है, क्या ज़रूरत है। और जैसे जैसे हमारे तमाम कारपेंटर्स, आज हम हाजी इसाक साहब के वार्ड में हैं, हम वार्ड्स में लोगों के करीब जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो ज़रूरत इसी बात की थी कि हम ग्राउंड पर उतर कर लोगों के करीब जाए तो लोग वैक्सीनेशन ले। आज तकरीबन 4 घंटे के अंदर तकरीबन 150-200 के करीब लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। कल बाज़ाब्ता एक मस्जिद में हाजी साहब ने एक वैक्सीनेशन सेंटर रखा था एक दिन के लिए, वहाँ पर भी तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ देने के लिए तैयार है, बस ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना टेक्निकल सपोर्ट हमें दे और हम ग्राउंड पे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करवाएं। आपसे और कि अभी अमूमन ये देखा जा रहा है औरंगाबाद की जनता के अंदर कुछ लोग परेशान भी है वैक्सीनेशन के लिए और कुछ लोग जो है ज़ईफ़ है, 60-65-70 साल के, उन्हें शुगर, BP, डायबिटीज़ काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं और कुछ डॉक्टर्स उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन ना ले क्योंकि इससे आपको जान को ख़तरा हो सकता है। तो इसके चलते आप MIM पार्टी कुछ कर सकती है इसके अंदर? नहीं, डॉक्टर्स की राय सबसे ज़्यादा अहम राय है। अगर कोई नौजवान या कोई बंदा सेहतमंद है तो उसे पहली फुर्सत में जो है तो वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि किसी को हार्ट की बीमारी हो, कोई डायबिटीज़ का शिकार हो या कोई और बीमारी से जो है तो वो लाख हो, तो उसको डॉक्टर की राय को अहमियत देनी चाहिए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई वैक्सीन ले तो ले, ना ले, अगर कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर बेहतर जानता है आपकी सेहत को और डॉक्टर की राय पर काम करना चाहिए। कलेक्टर साहब ने तो एक आदेश जारी किया है कि वैक्सीनेशन सबने लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई पेशेंट ना लेना चाहे तो उस पर भी ज़बरदस्ती की जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो कलेक्टर साहब को नहीं मालूम है कि कौन से शख्स की सेहत का क्या मामला है। अगर कोई डॉक्टर ये बात क्लियर कर रहा है कि भाई फलाने बंदे को वैक्सीन लेने से नुकसान हो सकता है, वो कोई और बीमारियों से मुतासिर है, तो फिर डॉक्टर की बात को माना जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों में भी यही अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर वो सेहतमंद है तो सबसे पहले वैक्सीन ले और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी से मुतासिर है तो डॉक्टर की राय को अहमियत देनी चाहिए। अगर ऐसे कोई केसेस आपके सामने आते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है औरंगाबाद में किसी पेशेंट के साथ, तो MIM पार्टी और आप पर्सनली इसके अंदर क्या स्टेप लेंगे? हम बिल्कुल कलेक्टर साहब को ये बात से वाकिफ़ करवाएंगे कि आप इस किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते या आपके इस बयान से हम किसी की जान को जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और इस किस्म के अगर कोई केसेस आते हैं तो हम कलेक्टर साहब तक वो बात ज़रूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो आज आपने देखा, हमने शारिक नक्शाबंदी साहब से बात की, जो शहर अध्यक्ष है, और इसाक हाजी साहब से भी बात की है, और यहाँ का कैंप आज कामयाब रहा है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।